आज के सेक्शन में हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेस में फील्ड प्रॉपर्टीज क्या होता है। फील्ड प्रॉपर्टीज, द फील्ड प्रॉपर्टीज ऑफ अ फील्ड डिस्क्राइब द फीचर्स एंड बिहेवियर ऑफ डेटा एडेड टू दैट फील्ड। अ फील्ड डेटा टाइप is the most important properties because it determines that kind of data the field can store. इसका मीनिंग यह है कि किसी भी फील्ड के गुण उस फील्ड में जोड़े गए डेटा की विशेषता और व्यवहार का वर्णन करते हैं। फील्ड का डेटा प्रकार सबसे महत्वपूर्ण गुण है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि फील्ड किस प्रकार के डेटा को संग्रहित कर सकता है। फील्ड प्रॉपर्टीज का यूज करने के लिए हमें एमएस एक्सेस को ओपन करने के बाद जो हमने डेटाबेस बनाया होगा, जो टेबल्स बनाई होगी, उस पर राइट क्लिक करके उस पर डिजाइन व्यू को ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जिससे टेबल का स्ट्रक्चर ओपन होने लगेगा। टेबल के स्ट्रक्चर्स में आपको टेबल्स में डिफाइन की गई फील्ड्स और उसके डेटा टाइप दिख रहे होंगे और जस्ट नीचे देखिए उसके बॉटम साइड पर कुछ प्रॉपर्टीज आ रही होंगी जिसे फील्ड प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो उसमें कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, जैसा कि आपको इस विंडो में दिखाई दे रहा होगा। दिस प्रॉपर्टीज डिटरमाइन दैट कैन एंड कांट बी इंटायर्ड इन द डिफरेंट फील्ड ऑफ अ डेटाबेस टेबल। सम ऑफ द सेटिंग आर इनेबल्स, इसका अर्थ यह है कि इन प्रॉपर्टीज का यूज करके टेबल में डिक्लेयर की गई फील्ड की हम कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला दिया हुआ है आपका फील्ड साइज। फील्ड साइज का यूज करके हम इन द फील्ड साइज बॉक्स फॉर टेक्स्ट फील्ड इंटर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी इंटायर्ड इन द फील्ड। यानी इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम किसी भी टेक्स्ट फील्ड में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को मैक्सिमम या मिनिमम इंटायर्ड इंटर कर सकते हैं। सेकेंड है फॉर्मेट। क्लिक द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड चूज द फॉर्मेट इन विच टेक्स्ट नंबर एंड डेट आर टाइम्स आर डिस्प्लेड। फॉर्मेट प्रॉपर्टीज का यूज करके हम किसी भी नंबर, टेक्स्ट या डेट टाइम के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। कैप्शन, द कैप्शन प्रॉपर्टी अपेयर्स एज द कॉलम हेडिंग इन डेटा शीट व्यू एज लेबल ऑन फॉर्म्स एंड ऑन रिपोर्ट्स इन प्लेस ऑफ द फील्ड नेम। पीपल्स एंटरिंग डेटा अंडरस्टैंड व्हाट टू इंटर आफ्टर रीडिंग द डिस्क्राइबिंग कैप्शन। यानी इस कैप्शन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम टेबल में डिक्लेयर की गई किसी भी कॉलम, किसी भी फील्ड का नाम चेंज कर सकते हैं, जिसका यूज रिपोर्ट और फॉर्म्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें वैलिडेशन रूल। अ लॉन्ग एज यू नाउ योर वे अराउंड ऑपरेटर एंड बुलियन एक्सप्रेशन यू कैन एस्टैब्लिश अ रूल फॉर इंटरिंग डेटा इन फील्ड। फॉर एग्जाम्पल यू कैन इंटर अ एक्सप्रेशन दैट रिक्वायर्ड एज। वैलिडेशन रूल प्रॉपर्टीज का यूज करके हम किसी भी कॉलम पर ऑपरेटर्स और बुलियन एक्सप्रेशन को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यूज
द डिफॉल्ट वैल्यू इज द वैल्यू दैट न्यू रिकॉर्ड स्टार्ट आउट विथ. यू कैन चेंज इट इफ यू वॉन्ट, बट एक्सेस विल क्रिएट न्यू रिकॉर्ड विथ इस वैल्यू. इसका अर्थ यह है एक्सेस में किसी भी न्यू रिकॉर्ड को स्टार्ट करने के लिए हमें कोई डिफॉल्ट वैल्यूज वगैरह सेट करनी है तो हम इस प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं. अब इसको मैं आपको चला के दिखाता हूं. जैसे कि मैंने टेबल्स पर राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू को क्लिक किया हुआ है और जिससे कि इसका स्ट्रक्चर ओपन हो गया है. सबसे पहले हमारा था फील्ड साइज. फील्ड साइज के लिए मैं नेम वाले कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा जिसका डेटा टाइप दिया हुआ है टेक्स्ट. इसमें डिफॉल्टली अभी इसकी प्रॉपर्टीज में दिखा रहा है कि 10 साइज है. मैं चाहता हूं लेकिन इसमें 25 कैरेक्टर तक की वैल्यू स्टोर करनी है तो फील्ड साइज में आप इसको आप चेंज कर सकते हैं. इसको मैंने कंट्रोल डब्ल्यू से सेव किया, देन चेंज, यस. अब मैं इसको आपको वैल्यू इंटर करके दिखाता हूं. देखिए इसमें आपके 25 कैरेक्टर्स के बाद कोई भी न्यू कैरेक्टर ऐड नहीं कर रहा है. तो ये हमारी रहेगी फील्ड साइज प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट हमारी फॉर्मेट. फॉर्मेट जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने एक यहां पर एक सैलरी नाम का कॉलम लिया है जिसका डेटा टाइप हमने सिलेक्ट किया था करेंसी. लेकिन आप चाहें तो इसमें डेटा टाइप जो आपने करेंसी सिलेक्ट किया है तो इसका फॉर्मेट भी हम चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में एक मिलेगा आपको फॉर्मेट में करेंसी, अभी डिफॉल्टली आ रहा है जो कि आपने सिलेक्ट किया हुआ है लेकिन आप यहां से इसे चेंज कर सकते हैं. बिल्कुल करेंसी में आना चाहिए यूरोज, मुझे यूरोज में वैल्यू चाहिए तो इसे यूरोज सिलेक्ट किया, देन उसको सिलेक्ट, यस. तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने सैलरी नाम का कॉलम था उसमें करेंसी में यूरोज डिस्प्ले कर रखा है. तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट प्रॉपर्टीज. कैप्शन, द कैप्शन, कैप्शन का यूज हमने सीखा था कि इसका यूज होता है हेडिंग्स के लिए. जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पर एक लास्ट कॉलम आ रहा है सैलरी, तो इसकी जो टेबल डेटाबेस में इसकी जो हेडिंग आ रही है क्या आ रहा है, सैलरी आ रहा है. लेकिन मुझे इसको यदि चेंज करना है तो आप डिजाइन व्यू में जाके इसकी प्रॉपर्टीज में, कैप्शन प्रॉपर्टीज में आप हेडिंग्स के रूप में क्या शो करना चाहते हैं यह टाइप कर दिए. जैसा कि मैंने इनकम चाहिए मुझे, डेटा टेबल के स्ट्रक्चर में इस फील्ड का नाम सैलरी ही लगेगा लेकिन इसके डेटाबेस में यदि आप व्यू करेंगे तो उसमें आपको इनकम शो होगा जैसा कि आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है इसमें वैलिडेशन रूल. इस टेबल को ओपन करते हैं, देखिए यहां पर एक कॉलम है एज जिसमें कि एज एंटर करने की कोई लिमिटेशन नहीं है लेकिन ये गलत है. इस पर बाउंडेशन करने के लिए कि मैं चाहता हूं एक लिमिटेड एज ही एंटर होना चाहिए तो मैंने इसके लिए एज को सिलेक्ट किया. यहां से वैलिडेशन रूल में एक एक्सप्रेशन, एक कमांड दी हुई है. सबसे पहले आपको एज को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद वैलिडेशन रूल्स में जाके मैंने कहा एज वही आनी चाहिए जो बड़ी हो, ग्रेटर देन और इक्वल 18, यानी जो कॉलम मैंने सिलेक्ट किया है उसमें मुझे एज बड़ी हो या बराबर हो 18 से एंड यानी कि और कम होनी चाहिए 80 से, सिर्फ यही स्टोर करानी है. तो मैं सेव करता हूं, बोला यस यस. अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहां पर एक नाम रखा हुआ है मोहन, इसकी अभी एज इसकी 26 दी हुई है लेकिन मैं इसकी एज 82 करना चाहता हूं. तो आप देख सकते हैं कि इसमें 80 से ऊपर वैल्यूज नहीं ले रहा है, एरर दे रहा है, वन और मोर वैल्यूज आर पॉसिबिलिटी बाय द वैलिडेशन रूल. मतलब कि इसमें मैंने एक रूल्स दे रखा है
कि इसमें आपकी 18 से 80 के बीच में आएगी। नेक्स्ट दिया हुआ है डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू का अर्थ ये होता है कि जैसे कि आपको टेबल ओपन करके मैं दिखा रहा हूं कि इसमें जो भी नया रिकॉर्ड है उसमें डिफॉल्टली जीरो आ रहा है, जिसमें जो भी नया रिकॉर्ड मैं फिल करना चाहता हूं तो उसमें अभी डिफॉल्ट जीरो आ रहा है, जो कि आप यहां देख सकते हैं। मुझे डिफॉल्ट की जगह, जीरो की जगह डिफॉल्ट वैल्यू कुछ और यदि रखनी है, जैसे कि एज है, उसमें डिफॉल्टली आ रहा है जीरो। मैं चाहता हूं एज में डिफॉल्टली जीरो ना आते हुए कुछ और चाहिए, तो एज को सिलेक्ट कीजिए और डिफॉल्ट वैल्यूज में जैसे कि यहां पे जीरो आ रहा है, मैं चाहता हूं इसमें कम से कम 18 आए। तो आप देख सकते हैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि टेबल से रिलेटेड थी, जिनका यूज करके हम टेबल में डिक्लेयर किए गए अलग अलग फील्ड्स को डेटा स्टोरेज के लिए हम बाउंड कर सकते हैं।